Chucky B. Vivo X4 2 जो आज ही लॉन्च हुआ फोल्डेबल फ़ोन है और ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फोल्डेबल फ़ोन है। यूज फास्ट रिफ्रेश रेट, E6 एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, फ्लेक्सिप प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, न्यू लेदर ग्लास कॉम्बिनेशन डिजाइन एंड फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Vivo X4 2 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं, जो आज ही लॉन्च हुआ है और ये फ्लेक्सिप फोन है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये है Vivo X4 2 का ब्लैक कलर में बॉक्स। बॉक्स के ऊपर फोन का ब्रांडिंग मिल जाता है और साथ में जाइस का भी ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ से प्लास्टिक को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स यहाँ पे टेक्सर्ट के साथ आता है। बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं। एज ए फोल्डेबल फोन का वेट थोड़ा ज्यादा है और ये है रेड कलर में केस जो थोड़ा क्रिएटिव मिल जाता है। यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल और यूजर मेन्यू मिल जाएगा और ये है 120 वोट का फ्लैश चार्जर जो टाइप सी के आउटपुट के साथ आता है और ये है टाइप सी टू सी केबल। फोन के प्लास्टिक रेप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की। तो ये है Vivo X4 2 जो चाइनीज रेड कलर में मिल जाता है। कलर इस बार ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। टॉप में कैमरा मॉड्यूल देखे तो यहाँ पे सर्कुलर मिल जाता है। प्रीडिसीजर के कंपेयर में इस बार कैमरा मॉड्यूल थोड़ा छोटा मिल जाता है। प्रीडिसीजर में क्लाउड लेवल मिलता था, यानी बैकग्राउंड में रेक्टेंगुलर मेटल मिल जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ राउंडेड मॉड्यूल मिलता है। और यहाँ पे इस बार फोन का बैक काफी प्योर देखने को मिल जाता है। फोन का बैक ग्लास और लेदर का बना है तो यहाँ पे इस बार कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन देखने को मिल जाती है। और इस बड़े फोल्डेबल फोन का वेट को थोड़ा कम करने के लिए मल्टीपल मटेरियल का यूज हुआ है और इससे फोन का वेट 33 ग्राम्स तक कम हो गया है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। और इस बार वेट 278 ग्राम्स है और यहाँ पे फोन की ओवरऑल ग्रिप भी काफी अच्छी मिलती है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। यहाँ पे फोन थोड़ा पतला भी मिलता है। इस फोन को सबसे पतला फोल्डेबल फोन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में लाइट वेट और पतला भी है। और इस बार डिजाइन और वेट दोनों पे ज्यादा फोकस किया है तो ओवरऑल फोन की डिजाइन इस बार ज्यादा बेटर मिल जाती है। Vivo X4 2 में डिस्प्ले की बात करें तो आउटर स्क्रीन 6.52 इंच की मिल जाती है और ये एमोलेड डिस्प्ले रेजोल्यूशन फुल एचडी प्लस मिल जाता है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की मिलती है और आउटर स्क्रीन यहाँ पे एक नॉर्मल फोन का फील देती है, लाइक ये एक फ्लैट स्क्रीन फोन है। मेन स्क्रीन 8.03 इंच की मिल जाती है और ये E6 एमोलेड डिस्प्ले रिजोल्यूशन 2K का मिल जाता है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की मिल जाती है। वैसे फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और आउटर स्क्रीन में E5 ल्यूमिनस मटेरियल का यूज हुआ है और मेन स्क्रीन में E6 का, तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी कम होगा। अब ये फोल्डिंग फोन है तो यहाँ पे फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हिंज मैकेनिज्म होता है तो यहाँ पे भी अपग्रेड मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोन में इस बार भी वाटर ड्रॉप हिंज का यूज हुआ है। व्हेन यू क्लोज इट इट कैन बी कम्प्लीटली क्लोज्ड, लेकिन इस बार हिंज के डायमीटर में चेंजेस देखने को मिलेगा। हिंज इस बार 5 mm की मिलती है, कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन थोड़ी बड़ी है और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग की फील भी काफ़ी स्मूथ मिल जाती है। इट विल ऑल्सो अपीयर मोर लिनियर दैन द प्रीवियस जनरेशन, लेकिन यहाँ पे होवरिंग एंगल पे चेंज मिल जाता है। प्रीवियस जनरेशन में ज़्यादा नीचे तक जाता था, लेकिन डेली यूज सिनारियों के हिसाब से ये अच्छा है। पर इस बार स्क्रीन में मटेरियल भी काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। ट्रेडिशनल मटेरियल के कंपेयर में यहाँ पे फर्स्ट क्लास मटेरियल का यूज़ हुआ है। डिस्प्ले इफेक्ट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, साथ में पावर कंजम्पशन भी कम होगा और इस थिनर डिज़ाइन में इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एस्पेक्ट रेशियो भी अच्छा मिल जाता है और यूसेज एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। Vivo X4 2 में परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फ्लेक्सिप प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में LPDDR5X रैम मिल जाती है और UFS 4.0 स्टोरेज भी मिल जाता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फोल्डिंग स्क्रीन फोन है। तो अब यहाँ पे गेमिंग टेस्ट करते हैं, वो भी हाई एंड गेंजिंग इम्पैक्ट की। और दोस्तों मैंने आज ही OnePlus S2 या तो फिर OnePlus 11R गेंजिंग इम्पैक्ट कस्टम एडिशन का अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू वीडियो अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख लें। तो अब Vivo X4 2 के गेमिंग की बात करें तो गेंजिन इंपैक्ट 30 मिनट्स मेन स्क्रीन में खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 57.8 FPS तक मिल जाती है और ऐसा परफॉर्मेंस अब तक किसी भी फोल्डेबल फोन में देखने को नहीं मिला है। और साथ में पावर कंजम्पशन भी कम होता है, 4.8 वाट तक की होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर फ्रंट और बैक में भी नॉर्मल मिल जाता है। एज आई सेड, ये वर्ल्ड का सबसे पहला फोल्डेबल फोन है जहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ही मिलेगा। वैसे इस फोन का यूज गेमिंग के लिए तो नहीं होता है और जैसे कि आपको पता है फोल्डिंग फोन की प्राइस भी ज्यादा होती है, पर इस बार फोन में
सेल्फ डेवलप V2 चिप भी लगी है, तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस तो ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल ही मिलेगा और पावर कंजम्पशन भी कम होगा। वैसे फ़ोन में अब तक की लार्जेस्ट VC कूलिंग सिस्टम भी लगी है। फ़ोन में चार्जिंग की बात करें तो 120 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है और 50 वोट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है और 4800 mAh की बैटरी मिलती है। Vivo X4 2 में कैमरा की बात करें तो, और इस बार कैमरा में भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल गया। फ़ोन में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX866 मिल जाता है इस बार, और इस बार सेंसर साइज भी 1x1.49 इंच तक मिल जाती है। आप यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन X4 प्लस के साथ फोटोज की कंपेरिजन देख सकते हैं। फ़ोन में 12 मेगापिक्सल का सोनी IMX663 अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। वैसे ये प्रीवियस जनरेशन जितना वाइड नहीं है, लेकिन इस सेंसर में लाइट बेटर मिल जाती है और कलर प्री प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और फ़ोन में V2 चिप लगी है तो लो लाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, और यहाँ पे आप इस पोजीशन में होवरिंग शॉट भी ले सकते हैं, और आप इजीली अपने लैपटॉप या तो फिर PC को इस मोबाइल के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से होवर करने पे ट्रैक पैड भी मिल जाता है, और फ़ोन को मल्टीटास्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज किया है। Vivo X4 2 के प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 8999 से शुरू होती है, जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 1,07,000 के ऊपर हो जाती है। कंक्लूजन पे आए तो फ़ोन में डिस्प्ले परफॉर्मेंस सुपर मिल जाता है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, और एज अ फोल्डेबल फ़ोन लाइट वेट कह सकते हैं। कैमरा एवरेज है। अब देखना यह है कि इंडिया में ये Vivo X4 2 लॉन्च होता है या नहीं, और लॉन्च होता है तो कौन सी प्राइस में और कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं Vivo X4 2 के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए रख लगे वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।